परमेश्वर की नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह की। मेरा प्रियो, आज के इस दिन में इस वीडियो के द्वारा आप सभी को मिलने में मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मेरा प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिछले 7 महीने हमें संभाला और ये 8वीं महीने को देखने दिया है। बहुत लोग जो पिछले महीने थे वे आज के इस दिन को देख नहीं पाए, ये नया महीना को देख नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में इस 8वें महीने को देखने दिया है। वास्तव में हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी और महान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज के इस पहले दिन में एक वचन को हम अध्ययन करेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा जकरिया उसका 10वां अध्याय पहला आयत को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। हाँ मेरा प्रियो, यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा से बरसात के अंत में वर्षा मांगो। बरसात के अंत की वर्षा मांगो। परमेश्वर इस 8वें महीने में हमसे ये चाहता है कि हम बरसात के अंत की वर्षा मांगने वाले बन जाएं। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम देखते हैं बरसात, वर्षा और पानी, ये सब पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पवित्र आत्मा के बारे में हमें बताने के लिए कई जगह में हम पानी के बारे में देखते हैं। पानी जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हाँ मेरे प्रियो, ये जो समय है अंतिम समय है, हम सब जानते हैं इस दुनिया में हमारे सामने जो कुछ हो रहा है, हर एक चीजों को जब हम देखते हैं और ये समझ लेते हैं कि अंत आ गया है, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरा प्रियो, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन में बरसात की अंत की वर्षा को मांगने वाले बन जाएं। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं जकरिया के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातें कर रहा है। यहोवा से तुम हमें बरसात की अंत में वर्षा मांगो। खास तौर से जैसे हम इस दुनिया में देखते हैं, कई बार हम भूखे भी रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना हम जी नहीं सकते हैं। इस दुनिया में हरेक व्यक्तियों के लिए पानी बहुत जरूरी है, ना केवल इंसान के जीवन में है, हरेक पक्षियों के जीवन में भी, हरेक जानवरों के, पशुओं के जीवन में भी पानी बहुत बहुत जरूरी है। हाँ मेरा प्रिय, पानी के बिना इस दुनिया में जीवन बिताना बहुत कठिन है। हाँ मेरे प्रियो, जैसे इस दुनिया की जीवन में शारीरिक जीवन में पानी बहुत जरूरी है, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे मसीह जीवन में, विश्वास जीवन में पवित्र आत्मा के बिना जीवन बिताना बहुत कठिन है। शायद हम इस प्रकार बाहर हम दूसरे से इस प्रकार बता सकते हैं, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि मैं मसीह हूं, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमारे जीवन में हम एक गवाही को हम देख नहीं पाएंगे। इस दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं कि मैं मसीह हूं लेकिन उनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे भारत देश, जैसे अभी ये जो समय है कि बरसात का समय है, बरसात का मौसम है, जैसे हमारे भारत देश में पूर्व और उत्तर की भारत की ओर देखते हैं, बिहार, झारखंड, असम, इन इलाकों में जब हम देखते हैं अभी इस बरसात के मौसम में कई गांव जो हैं बाढ़ के कारण डूब गया, कई हजार लोग परेशान हो रहे हैं बरसात के कारण। लेकिन वैसे ही हमारे भारत में और दूसरे किसी राज्यों में जब हम देखते हैं कई इलाकों में पानी नहीं है, बरसात नहीं हो रहा है, पूरा सूखा पड़ा है, कई इलाके में पीने के लिए भी पानी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, वो इलाका भी भारत ही है जहां पे अभी बाढ़ हो रहा है,
और जो इलाका सूखा पड़ा वो भी भारत ही है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक इलाके में ज्यादा पानी गिर रहा है, दूसरी इलाका सूखा पड़ा है। इसी प्रकार बहुत मसीहों के जीवन भी आजकल इन दिनों में बहुत मसीहों के जीवन भी इसी प्रकार है। कुछ सब लोग बोलते हैं मैं मसीह हूं, लेकिन सबके जीवन में मसीह नहीं है। कोई बहुत कम लोग एक सच्चा मसीह जीवन जी रहे हैं, एक गवाही जीवन जी रहे हैं। बहुत लोगों के जीवन में गवाही नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। मेरा प्रियो, इस अंतिम समय में पवित्र आत्मा के बिना जीवन बिताना बहुत कठिन है। इसलिए आज परमेश्वर आपको और मुझको देखकर ये बताना चाहता है, बरसात की अंत की वर्षा मांगो। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में खास तौर से इस आठवीं महीने में हमें बरसात की अंत की वर्षा को मांगने वाले बन जाएं। कई बार बाहर के जीवन को जब हम देखते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, बाहर के रूप को जब हम देखते हैं हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अंदर हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे अंदर के जीवन में शांति नहीं है। बहुतों के जीवन में शांति नहीं है। बाहर उनके पास सब कुछ है, अच्छे मकान हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे पैसा है, लेकिन उनके अंदर शांति नहीं है। और बहुतों के जीवन जब हम देखते हैं उनके पास सब कुछ है, लेकिन वे दूसरों के लिए नहीं जी रहे। उनके कारण उनके पास जो आशीषें हैं वो आशीषें उनके जीवन में होने के कारण दूसरों के जीवन में कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह चाहता है आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा आपके पड़ोसी भी आशीषित हो जाएं। जिस इलाका में आप रहते हैं आपके कारण वो इलाका आशीषित होना है। जिस गली में रहते हैं आपके कारण वो गली के लोग आशीषित होना है। जिस बिल्डिंग में रहते हैं आपके कारण उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी आशीषित होना है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारे द्वारा और भी लोग आशीषित हो जाएं। मेरे प्रियो, यदि हमारे द्वारा और भी लोग आशीषित होना है तो हमारे जीवन पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के बिना हमारे जीवन में आशीष को हम देख ही नहीं पाएंगे। निर्णय लीजिएगा, मैं इस महीने में बरसात की अंत की वर्षा के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। बरसात के अंत की वर्षा के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मैं परमेश्वर से कि बरसात की हमें अंत की वर्षा को मैं मांगने वाला बनूंगा करके आज निर्णय लीजिएगा। इस आठवीं महीने में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए आप अपने जीवन को अर्पण करिएगा। क्या प्रार्थना करेंगे इस समय में? आंखें बंद कर लीजिएगा, हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे। जीवित रहनेवाले महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जैसे आज आपने हमसे बात किया है प्रभु, हमारे जीवन में बरसात की अंत की वर्षा को मांगने वाले बन जाएं। आप हमें सहायता कर प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये अंत का समय है प्रभु, आपका आगमन बहुत निकट है। इस अंत के समय में प्रभु जी, पवित्र आत्मा के बिना हम जीवन बिताना बहुत कठिन है। पवित्र आत्मा के बिना एक गवाही जीवन जीना बहुत कठिन है। पिता परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे मांगते हैं आप हमें सहायता करिए उस पवित्र आत्मा का सामर्थ को हमारे जीवन में ले लिए। खास तौर से इस आठवीं महीना प्रभु जी, हम पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरपूर हो जाएं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता, जो भी भाई और बहन मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक व्यक्तियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आप उन्हें सहायता कर ताकि वे प्रभु जी बरसात की अंत की वर्षा को मांगने वाले बन जाएं। प्रभु जी आप उन्हें सहायता कर ताकि उनके जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से अभिषेक से भर जाए। प्रभु जी मैं आपके हाथों में देता हूं, खास तौर से ये आठवीं महीना जो है प्रभु, हर एक व्यक्तियों के लिए एक आशीष का महीना बन जाए। हर एक परिवारों के लिए, हर एक छोटे बच्चों के लिए, जवानों के लिए,
हर एक बड़े लोगों के लिए ये आठवीं महीना जो है एक आशीष का महीना हो जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुन लिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। इस महीने में हम उस बरसात की अंत की वर्षा को मांगने के लिए हम अपने आप को अर्पण करें। प्रभु आप सबको आशीष दें, खास तौर से इस महीने में जो भी लोग आप लोगों में से हमें जन्मदिवस और शादी की हमें सालग्रह आप मनाने वाले हैं, आप सभी को मेरे तरफ से मैं ग्रीटिंग्स अभिनंदन देता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दें। यदि आज का वचन आपके जीवन में आशीषित हुआ है और आपके दोस्तों को इस मैसेज को जरूर शेयर करिएगा और नीचे दिया हुआ कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स कृपया करके आप लिख सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।